ब्रिटेन हाईकोर्ट से भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका, भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने का आवेदन खारिज। एलोपैथी पर विवादित बयान के बाद बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार, देश भर में दर्ज FIR में राहत की मांग। 17 जुलाई को होगी JEE मेंस की परीक्षा, 14 अगस्त तक रिजल्ट किया जाएगा घोषित। ऋषिकेश में श्याम प्रसाद मुखर्जी की मनाएगी पुण्यतिथि, विधानसभा अध्यक्ष ने किया माल्यार्पण। हरिद्वार में आयुर प्लांट अभियान की हुई शुरुआत, पतंजलि के सहयोग से हुई शुरुआत, औषधीय पौधों को हर घर पहुंचाने का लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं स्वाति चौरसिया और अब खबरें विस्तार से। ऋषिकेश स्थित विधानसभा अध्यक्ष कैंप कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के दो निशान का विरोध किया था। उनका मानना था कि एक देश में एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने संपूर्ण देश भर में जन जागरण किया, राष्ट्र विचारों से ओतप्रोत केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्याम प्रसाद मुखर्जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का काम किया। इसी का परिणाम है कि आज देश में एक निशान, एक संविधान और एक प्रधान के तहत कार्य हो रहा है। देखिए, त्रिवेणी घाट पे जिस प्रकार से अभी जो पानी बहुत ज़्यादा इस गंगा जी में आया था और पूरा यहाँ तक लबालब था पानी, और स्वाभाविक तौर से जो हमारा निर्माण कार्य हुआ था उसमें नुकसान हुआ। हमारे जो अभी देखिए जो सेल्फी पॉइंट था MDDA ने अभी बनाया ही था, वो बड़े बड़े पत्थर पेड़ उनके टकराने से वो डैमेज हुआ। ऐसी कुछ हमारे सिंचाई विभाग की टाइल्स भी उसमें ख़त्म हुई, यानी टूट गई, खराब हो गई। तो MDDA के यहाँ पे AE वगैरह ये लोग आए, इनसे मैंने कहा है कि बरसात समाप्त होते ही आप इसका ठीक से करा दें। देखिए, त्रिवेणी घाट पे जिस प्रकार से अभी जो पानी बहुत ज़्यादा इस विधानसभा अध्यक्ष ने किया है माल्यार्पण, और आपको बता दें कि श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और उसी को लेकर के ये तमाम कार्यक्रम जो आयोजन जिनका हुआ था और उन्हीं को ही अमली जमा पहनाते हुए तमाम नेतागण, इसके लिए आपको बता दें संपूर्ण देश भर में जन जागरण किया गया, राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्याम प्रसाद मुखर्जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का काम किया। इसी का परिणाम है कि आज आपको बता दें श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि का आज मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने आपको बता दें माल्यार्पण किया है और देखिए किस तरीके से घाट पे मौजूद जो उनकी जो तमाम कार्य और कार्यक्रम थे उनको अमली जमा पहनाते हुए। अमित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने माल्यार्पण किया और जा करके घाटों पर भी उन्होंने निरीक्षण किया, क्या कुछ उन्होंने आगे निर्देश दिए हैं? जी, जैसा कि देखा जा रहा है, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और साथ में संस्थापक भी माने जाते हैं, उनकी आज पुण्यतिथि थी। उस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनके जो चित्र फोटो चित्र था उस पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित करी। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को एकीकरण की मांग हो या किस तरीके का बड़ी बड़ी जो मुद्दे थे उनको उन्होंने उनकी आस थी और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी की है। साथ
साथ ही उन्होंने आज उसी उपलक्ष्य में उसके साथ साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण में भी जो बाढ़ का जो जल स्तर आया था पिछले दिनों में उसका भी निरीक्षण किया और जो भी नुकसान हुआ उसका जायजा लेकर उनको अधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल उस तरीके से उनको सुदृढ़ तरीके से सही किए जाए। इसी क्रम में उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको नमन किया। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम जानकारी साझा करते हुए। और वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव ललित नारायण मिश्र ने आयुर प्लांट अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पतंजलि योगपीठ के सहयोग से हरिद्वार के हर घर गिलोय, तुलसी और एलोवेरा के पौधों को पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण और ललित नारायण मिश्र ने 20 सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों को पौधे बांटे। इस दौरान आचार्य बालकृष्ण ने HRDA सचिव के इस अभियान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस अभियान से निश्चित रूप से हरिद्वार हरित द्वार बनेगा। HRDA सचिव ललित नारायण मिश्र ने कहा कि 20 समाज सेवी संगठनों के सहयोग से उन्होंने आयुर प्लांट अभियान की शुरुआत की है। वो अन्य संगठनों से भी अपील करते हैं कि इस अभियान से जुड़े और अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए अधिक से अधिक पौधों का वितरण करें। तो ये आयुर प्लांट योजना हरिद्वार विकास प्राधिकरण के माध्यम से और हरिद्वार विकास प्राधिकरण के हमारे कर्मठ सचिव मिश्रा जी, उनकी पूरी टीम जिस तन्मयता के साथ लगी है और जिस तरह से हरिद्वार के विभिन्न हमारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसमें सहभागिता की है, तो पतंजलि का एक विनम्र प्रयास था कि कुछ पौधे हम उपलब्ध करा सकें, वो हमने उपलब्ध कराया है। इससे हरित क्रांति के साथ साथ में जो हरिद्वार हरि का द्वार है ये। और वहीं कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए एम्स ऋषिकेश ने बच्चों के इलाज के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इसके लिए नर्सिंग स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही कोरोना संक्रमित बच्चों के लिए 100 बेड का अतिरिक्त कोविड वार्ड बनाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना महामारी की तीसरी लहर के दौरान बच्चों में वायरस संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए एम्स ऋषिकेश ने इलाज पूर्व तैयारियों को लेकर के विभिन्न योजनाएं भी बनाई है। प्लान के तहत यहाँ बच्चों के इलाज के लिए आवश्यक बेडों की संख्या, मेडिकल उपकरण और मैन पावर पर फोकस किया जा रहा है। एम्स अस्पताल प्रशासन द्वारा बच्चों में संक्रमण फैलाने की दशा में उनके इलाज के लिए 100 बेड अलग से रिजर्व रखेगा। इनमें 50 ऑक्सीजन बेड और 50 ICU सुविधा वाले बेड शामिल होंगे। इन बेडों के लिए वेंटिलेटर, मॉनिटर आदि आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था कर ली गई है। हम लोगों ने ऑलरेडी 100 बेड्स प्लान कर लिए हैं, जिसमें से 50 बेड्स जो हैं वो क्रिटिकल केयर को डिवोट होंगे। उसमें PICU बनाया जाएगा बड़े बच्चों के लिए और NICU जो कि एक महीने के अंदर के जिनकी उम्र होती है ऐसे बच्चों के लिए बनाया जाएगा। तो 50 बेड हमने अब कहना होगा कि ICU के लिए डिवोट किए हैं। और और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमित, देखिए जिस तरीके से पहली लहर और उसके बाद दूसरी लहर जो सबसे ज्यादा घातक और जानलेवा थी, अब जो तीसरी लहर आने वाली है उसके लिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वो बच्चों के ऊपर कहर ढाएगी और उसके मद्देनजर अब एम्स में फिलहाल ऋषिकेश में जो एम्स है वहां पर पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं, ये एक अच्छी बात। लेकिन क्या हरिद्वार में या फिर उत्तराखंड की हम अगर बात करें अन्य अस्पतालों में इस तरीके की तैयारियां हैं? अमित जी, जैसा कि देखा जा रहा है लगातार कोरोना संक्रमण की पहली लहर और दूसरी लहर के चपेट में जो लोग आए थे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खासकर दूसरी जो लहर थी उसमें काफी लोगों ने अपनी जान से हाथ भी खो बैठे हैं और काफी जो लोग हैं इससे घबराए हुए थे। और साथ में जैसा कि देखा जा रहा है कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी जो ऋषिकेश एम्स संस्थान में आते हैं और जो बड़ा संस्थान माना जाता है उसमें 100 बेड की तैयारी हो चुकी है आने वाली तीसरी लहर के लिए। जिसे माना जा रहा है कि विशेषज्ञों की राय है कि बच्चों के लिए काफी घातक लहर होगी और इसमें डेल्टा जैसे कई खतरनाक जो ये संक्रमण आने वाला है उसके लिए तैयारी कर दी गई है। 100 बेड स्पेशल इसके लिए रिजर्व कर दिए गए जिसमें कि 50 ICU बेड है और 50 ऑक्सीजन युक्त बेड है इसमें ये तैयार कर दिए गए हैं और वेंटिलेटर, मॉनिटर आदि की आवश्यक उपकरण की सुविधा जो दुरुस्त कर दी गई है। साथ में एम्स प्रशासन का कहना है कि अगर यदि संभावना है कि अगर 100 से अधिक जो मरीज अगर इससे पीड़ित होते हैं तो उसके लिए भी तैयारियां लगातार जारी है और 100 बेड
के रिजर्व अभी तक कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए, तुम्हारे संवाददाता हमें तुम्हारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे तमाम जानकारियां साझा करते हुए। और भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय अरोड़ा के नेतृत्व में निःशुल्क टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के आयोजन में पंजाबी कल्याण महासभा उत्तराखंड, रुड़की विकास मंच, समर्पण जन कल्याण समिति ने हिस्सा लिया। निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन रामनगर स्थित मूल राज गर्ल्स कन्या कॉलेज में हुआ। इस कैंप में 18 साल की उम्र पार कर चुके लोगों को पहली डोज दी गई है। कैंप के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए भाजपा नेता संजय अरोड़ा ने कहा कि आज कोविड महामारी का लोग शिकार हो रहे हैं। देश प्रदेश की जनता को इस महामारी से बचाने के लिए सरकार द्वारा कोविशील्ड व कोवैक्सीन लोगों को लगवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने अनेक लोगों को अकाल ही मौत के आगोश में सुला दिया है। इस महामारी के चलते अनेक लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से मास्क पहनने, सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। भ्रम फैला रहे हैं, मेरा उनसे ये अनुरोध है कि वो भ्रम की स्थिति ना फैलाएं समाज में, और जो लोग इस भ्रम में आ रहे हैं मेरा उनसे हाथ जोड़ के ये अनुरोध है कि भ्रम फैलाने वालों के आगोश में मत आएं, वो जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि लगभग 30 करोड़ के लगभग वैक्सीनेशन हो चुका है। अब वो इस बात से ना डरें, क्योंकि जिन 30 करोड़ को लगा है उनमें कोई केस ऐसा सुनने में नहीं आया। मेरा उनसे हाथ जोड़ के ये अनुरोध है कि वो हमारे रुड़की में जितने भी सेंटर जहां जहां लगे हुए हैं, जो उनके नजदीकी सेंटर हैं, वो अपना वहां वैक्सीनेशन करा लें। और वहीं पंतनगर नगला बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से निकाले गए मशाल जुलूस का स्थानीय महिलाओं ने विरोध किया। महिलाओं का कहना है कि समिति अतिक्रमण पर राजनीति ना करे। ये मशाल जुलूस कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में निकाला गया, जिसमें स्थानीय लोग भी शामिल हुए। मशाल जुलूस निकाले जाने की सूचना मिलते ही स्थानीय समाज सेवी महिलाओं ने गोल गेट मंदिर परिसर में पहुंच गई। जुलूस का विरोध उन्होंने वहां पर शुरू कर दिया। समाज सेवी महिलाओं ने कहा कि कोई भी पार्टी अतिक्रमण पर राजनीति ना करे। मौके पर पहुंचे पंतनगर पुलिस क्षेत्र अधिकारी आशीष भारद्वाज ने अपनी पुलिस टीम की मौजूदगी में आक्रोशित महिलाओं को शांत कराया। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बहेड़ ने कहा कि ये जुलूस राज्य सरकार को जगाने के लिए निकाला गया है। उन्होंने कहा कि सरकार नगला वासियों के लिए कानून लाए और उन्हें न्याय दिलाए। नगला को जो माननीय न्यायालय के आदेश पर जो उजाड़ने की संभावनाएं दिख रही है, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं प्रशासन को, जिला प्रशासन को, कि राज्य सरकार को चेता रहे हैं कि आप लोग पैरवी करिए। ये हजारों लोग जो बैठे हुए हैं ये उजड़ने नहीं चाहिए, उल्टा कानून बनाए राज्य सरकार, कानून बनाकर इनको रहने का अधिकार दे, इनको उजड़ने से बचाया जाए, सरकार पे दबाव बना। और वहीं लक्सर में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने का अभियान जोरों से चल रहा है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग के CMO डॉक्टर एस के झा ने रायसी स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां स्वास्थ्य केंद्र पर हो रहे वैक्सीनेशन की जांच के दौरान CMO हरिद्वार को केंद्र पर पानी आदि की समस्याएं दिखाई दी। CMO ने जल्द ही पानी की समस्या को खत्म करने के निर्देश दिए। साथ ही गांव रायसी में नव निर्मित हॉस्पिटल का भी जायजा लिया, जहां उन्होंने जल्द ही हॉस्पिटल तैयार हो जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल तैयार होने के बाद जल्द ही यहाँ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। आज हम आए थे रायसी PSC को देखने के लिए, तो एक तो टीकाकरण चल रहा है क्या स्टेटस है, दूसरा वो PSC की स्थिति क्या है, तीसरा अभी थर्ड वेव जो आने वाले हैं उसके लिए हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, और चौथे ही जो हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है रायसी PSC का, तो उसको भी देखने आए थे कि उसमें क्या कितना हुआ है, क्या क्या कमी है और कब तक पूरा करेगा। तो मौके पे जो ठेकेदार हैं लोग काम भी कर रहे हैं, और इनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनसे। और वहीं मसूरी में बंद पड़े पर्यटक स्थलों को खोलने के साथ ही 27 सूत्री मांगों को लेकर के व्यापार संघ ने देहरादून तक पैदल मार्च निकाला है। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास जा रहे व्यापारियों को किशनपुर पर मौजूद पुलिस बल ने रोक दिया, जिसको लेकर के व्यापारी भड़क गए और उन्होंने मार्ग पर बैठकर ही नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच पुलिस और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। मामला बिगड़ता देख सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान और CEO मसूरी नरेंद्र पंत ने किसी प्रकार से व्यापारियों को शांत कराया। व्यापार संघ अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि आज ऐतिहासिक पदयात्रा कर व्यापारी वर्ग अपनी
जायज मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार का कोई भी मंत्री उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मजबूरन उन्हें एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपना पड़ा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि व्यापारी वर्ग लगातार कोरोना काल में पिसता जा रहा है, लेकिन सरकार शांत बैठी हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने बताया कि व्यापारियों द्वारा उन्हें एक मांग पत्र दिया गया है, जिस पर शासन स्तर से ही कार्रवाई की जानी है। देखिए, हमने आज एक ऐतिहासिक पदयात्रा करी है व्यापारी हित के लिए। 2 साल से व्यापारी परेशान है, व्यापारी का शोषण हो रहा है, सरकार कोई नीति नहीं बना रही है, तो हमारे द्वारा आज एक पदयात्रा करी गई और जब हम डाइवर्जन पर पहुंचे देहरादून तो हमें रोक लिया गया सिटी मैजिस्ट्रेट। लेकिन आप पुलिस प्रशासन ने यहीं पर रोक दिया है, आपको ज्ञापन भी दिया गया, क्या कुछ ज्ञापन में था? इनके द्वारा जो मसूरी ट्रेडर्स एवं वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर अपने 27 सूत्रीय मांगों को लेकर जो यहाँ पे आज पदयात्रा की गई थी, इसका आज हमने यहाँ पे इनको जो मसूरी डाइवर्जन है यहाँ पे इनसे रोके और वार्ता करके और वहीं लक्सर के बलावाली गांव पहुंचकर जिलाधिकारी हरिद्वार ने राज्य के प्राइमरी विद्यालय में एक बहुउद्देशीय शिविर लगाया। शिविर में 265 शिकायतें दर्ज की गई। इस शिविर में केवल 4 गांव के लोगों को शिकायत दर्ज कराने की अनुमति दी गई थी। इस शिविर में कालसिया, गिद्दावाली, डुमन पूरी और बालावाली के ग्रामीण ही शिकायत दर्ज करा पाए। शिविर में आई ज्यादातर शिकायतें तटबंधन संबंधी थी। शिकायतों में ग्रामीणों द्वारा तटबंधन के पुनर्निर्माण की मांग की गई। वहीं शिकायतें लेकर आए ग्रामीणों ने बताया कि 2017 में आई बाढ़ के दौरान नीलधारा गंगा का तटबंध टूट गया था, इससे उनकी लगभग 5000 बीघा भूमि जलमग्न हो गई और भारी नुकसान हुआ था। तब से लेकर आज तक वो लोग बरसात के दिनों में हर बार बाढ़ का नुकसान झेल रहे हैं। जिलाधिकारी को लिखित शिकायत की गई है। इससे पहले भी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। कोविड का परिस्थिति को देखते हुए एक नया एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें लोगों को घर से प्रत्येक घर घर जा करके उनका शिकायत प्राप्त करा करके ये कॉन्टैक्टलेस शिविर करने का प्रयास है, जिसमें केवल संबंधित विभागीय अधिकारी जिनको बुलाया है, जनता को जो है वो केवल शिकायतों जो है देने के लिए बताया गया और लगभग 300 से ज़्यादा शिकायतें अभी प्राप्त हुआ। और वहीं चमोली में लगातार कई दिनों तक हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें, बारिश की वजह से कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा है और रास्तों पर पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। भारी बारिश और नारायणगढ़ स्थित उत्तरांचल युवा एवं ग्रामीण विकास केंद्र के ऊपर बादल फटने से काफी नुकसान हो गया है। वहां रह रहे कर्मचारियों ने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई। ये संस्थान 1984 से यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनमानस के लिए विकास के कार्यक्रम संचालित करता रहा। इस संस्थान में युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं, लेकिन अब बादल फटने के कारण तबाही से सन्नाटा पसरा हुआ है। संस्थान के सचिव डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी ने तहसीलदार नारायणगढ़ को ज्ञापन देकर के निवेदन किया है कि उक्त संस्थान के चारों ओर की सुरक्षा दीवारें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं और पूरा परिसर मलवा पत्थरों से भर गया है। उन्होंने प्रशासन से कहा है कि घटनास्थल का निरीक्षण कर संबंधित विभागों को संस्थान परिसर में सुरक्षा दीवारें बनवाने और मलवा पत्थरों को हटाने का निर्देश दिए। तहसीलदार सुरेंद्र सिंह देव ने कहा कि उक्त संस्थान का निरीक्षण करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, अभी जो ज्ञापन दिया गया है इसमें सबसे पहले तो जाँच कराई जाएगी और पटवारी जी की रिपोर्ट आने के बाद इसमें जो भी नुकसान हुआ है और खास करके जो उन्होंने बताया कि जो संस्थान के नीचे जो सिंचाई विभाग के द्वारा जो सेफ्टी वाल्व बनाई गई थी, जो संबंधित विभाग को इसके बारे में लिख दिया। और वहीं मॉनसून को देखते हुए वन विभाग ने गश्ती दलों को अलर्ट कर दिया। प्रशासन ने ऑपरेशन मॉनसून को 15 जून से शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज में वन विभाग और पुलिस टीम जंगल में संयुक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। वेस्टर्न सर्कल के 5 वन प्रभागों के काफी संवेदनशील होने की वजह से यहाँ वन्य जीव तस्कर बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं। बरसात के दिनों में जंगलों में सड़कें टूटने, नदियों में पानी आने और झाड़ियाँ उगने से जंगल घना होने से गश्त करना काफी मुश्किल भरा हो जाता है। बारिश का मौसम तस्करों के लिए अनुकूल होने की वजह से कई कुख्यात गिरोह इसका फायदा उठाते हैं। वन विभाग ने ऐसे हालातों से निपटने के लिए ऑपरेशन मानसून शुरू कर दिया, जिसके तहत जंगलों में गश्त तेज करते हुए अतिरिक्त व्यवस्था कर दी गई है। इस बार पुलिस और फॉरेस्ट की टीम ज्वाइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है, जिससे जंगलों में हो रही
हर गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। अधिकारियों के मुताबिक जंगलों में गश्त तेज करने और हर समय चौकन्ना रहने के लिए विभाग के रेंजर लगातार वायरलेस से वन चौकियों से संपर्क में हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वनों में बारिश के समय अवैध गतिविधियों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिसके चलते वन क्षेत्र में गश्त बढ़ाई गई है और सभी रेंज कर्मचारियों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अभी कुछ दिन और टीम अलग अलग रेंज में पुलिस के साथ जॉइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाएगी। की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया था वेटमार्ट। इस ऑपरेशन के अंतर्गत जंगली जानवरों के मांस या उनकी खाल या अन्य अंगों की तस्करी पर रोक के लिए अभियान चलाया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा जो वन विभाग है उनसे संपर्क किया गया और एक कंबाइंड टीम का गठन करके आज है मॉर्निंग से अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अलग अलग जगह पर जाके देखा गया कि कोई गलत कार्रवाई या असामाजिक तत्व। और वहीं यातायात नियमों का पालन कराने को लेकर के पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा गया। नगर में यातायात और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों से पुलिस ने सख्ती से निपटते हुए चालान काटे और कई वाहनों को सीज किया। कोतवाली के SI JR गोला ने बताया कि लॉकडाउन के नियमों के पालन को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस समय कोरोना वायरस और सड़क दुर्घटनाओं से बचाव को लेकर के ये अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग क्षेत्र में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए मिल रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। अभी तक लॉकडाउन का उल्लंघन करने में कई वाहनों को सीज किया जा चुका है। और वहीं अल्मोड़ा जिले में नगर वासियों ने बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए स्थानीय प्रशासन लगातार गुहार लगा रहा है। बारिश के बीते दिनों अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से हो रही दिक्कतों के चलते जनता का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। इसी क्रम में आज स्थानीय रानीधारा मार्ग में रानीधारा नागरिक समिति ने कोविड नियमों का पालन करते हुए धरना दिया, जिसमें बुजुर्ग, नौजवान और महिलाएं शामिल थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन से शीघ्र सड़क निर्माण की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर वन वे मार्ग की व्यवस्था के कारण यह मार्ग मुख्य आवागमन का मार्ग बन गया है, लेकिन इसके हालात बेहद खराब है। और वहीं रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार में पिछले दिनों ज्वेलर्स की दुकान में चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया। बता दें कि 19 जून की रात गणेश ज्वेलर्स दुकान का शटर तोड़कर, आपको बता दें कि दुकान के अंदर से गहने और नकदी चोरी किए गए थे। ज्वेलर्स की शिकायत के आधार पर इस घटना के संबंध में पुलिस ने चोरी का खुलासा करने के लिए टीम का गठन किया है। पुलिस टीम ने मामले की छानबीन करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने चोरी के सामान को बरामद करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया। मामले का खुलासा करने वाली टीम को SP ने इनाम देने की घोषणा की है। और 20 जून की रात्रि में सत्ता रुद्रप्रयाग में स्थित एक ज्वेलर की दुकान पर गणेश ज्वेलर्स के यहाँ पर चोरी हुई थी। इसकी सूचना अगले दिन पुलिस को मिली थी। तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया था और इसमें जो कोतवाली की टीम है इनके द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया था और उनके अभियुक्तों को पकड़ने के प्रयास शुरू किए गए थे। इसमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग टीमें बनाकर हमने इसमें अभियुक्तों तक पहुँचने का प्रयास किया। CCTV के लिए टीम बनाई गई, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के लिए टीम बनाई गई खतरा मंडरा रहा है। ब्रिटिश काल से स्थापित घराट को बचाए रखने और देखरेख सिंचाई विभाग करता रहा है, लेकिन अब सिंचाई विभाग ने इस ओर ध्यान देना छोड़ दिया। स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले सिंचाई विभाग और जापान की किसी कंपनी ने मिलकर अंबाड़ी गांव में बिजली उत्पादन करने का संयंत्र लगाया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट कुछ ही महीनों में ठप हो गया, जिसके चलते घराट की नहर भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस घराट पर लाखों रुपए की टरबाइन मशीन लगाकर छोड़ दिया गया है। तब से अब तक बिजली पैदा हुई ना और ना ही घराट चल पाया। स्थानीय निवासी अरशद अली का कहना है कि इस घराट को 45 साल से चला रहा था। इसी घराट से मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, लेकिन सिंचाई विभाग ने अपने प्रोजेक्ट के चलते आज घराट का अस्तित्व खत्म कर दिया। हर इंसान उस गरीब की जरूरत को पूरा करते थे जिसको उसको जरूरत होती थी। आज मैं मौजूद हूँ विकासनगर तहसील क्षेत्र के अंबाड़ी में। यहाँ पर ब्रिटिश काल का एक घराट है
मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि जरा दिखाइए कि जो ब्रिटिश काल का जो घराट है वो कैसा चीन सीन पड़ा हुआ है, चारों तरफ पानी जो है लबालब भरा हुआ है, बिना देख रेख के अभाव में ये घराट आज जीण सीण बना हुआ है। कभी ज़माने में ये घराट लोगों की जो है आटे की पीसने की चक्की से आटे की ज़रूरत पूरा करता था, लेकिन आज ये घराट बिना देख रेख के अभाव में बदहाल पड़ा हुआ है। आइए जानते हैं कि जो यहाँ के बाशिंदे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं इस घराट के बारे में, क्या कब से पड़ा हुआ बंद सर ये? सर ये पड़ा हुआ है आज 4-5 साल हो गए इसे, शायद 2015 से ये बंद पड़ा हुआ है। और इसी से जो है हमारी ग्राम सभा जितनी भी है आसपास के गांव हैं सब लोग यहाँ पे आटा पिसवाने आते थे। ये पनचक्की है, पानी की चक्की है ये, इसका हर आदमी को आटा स्वादिष्ट होता है, अधिकतर इसमें जान रहती है, लोग बाग इसे पसंद करते हैं। और इन लोगों ने जो है हम पूरे अंबाड़ी ग्राम सभा के लोग इकट्ठे किए और इकट्ठे किए करके एक मीटिंग हुई कि आपके यहाँ में एक छोटा प्लांट लगा रहे, मिनी प्लांट बोलते हैं इसे, और ये जो है बिजली बनाएगा और ये आपकी अंबाड़ी ग्राम सभा को पूरी बिजली यहीं से मुहैया हो जाएगी, आपको कहीं भागने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसमें आपको बहुत छूट मिलेगी हर तरीके की। और ये प्लांट हम यहाँ पर लगा रहे, ये स्कीम है, कोई जापान कंपनी लगाएगी इसे और हम उसे उन लोगों को लीज पे जिस चीज़ पे वो दे रहेगी हम दे रहे हैं इसको ये प्लांट, और आपका घराट भी चलेगा। उस समय हमें ऐसा लालच दिया गया, ठीक है जी, चलो हमने बोल दिया कोई बात नहीं हमारा घराट चलेगा तो कोई बात नहीं आप कर लो। अगर कौन देखते थे इसे? इसे सिंचाई विभाग देखता है जी, वहाँ से इसका टेंडर होता है, सालाना का इसका टेंडर होता है, हर साल इसका ठेका छूटता है, करीबन 45 साल के समथिंग होगी, परमानेंट हमारे पास है। पहले मेरे पापा के नाम पर छूटता था और अब ये मेरे नाम पर। दिक्कत कहाँ है इसकी? दिक्कत ये है जी, इन लोगों ने जब से प्लांट लगा हुआ है ना तो ये प्लांट ही सक्सेस हुआ और हमारा रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि रेगुलर मेरे नाम पे और ये बंद पड़ा हुआ है आज 5 साल हो गए। बीच में यही लालच देते हैं कि अब ठीक करा देंगे, अब ठीक करा देंगे, इसमें कुछ भी नहीं करा रहे, जब तक ये मशीनें नहीं निकलेंगी इसमें से तब तक ये कामयाब नहीं होगा। और इन लोगों ने इसमें एक और धांधलेबाजी की है, ये बंदर बांट हुई है इन लोगों के पास बीच में मिल के विभाग वालों की और जो भी ठेकेदार हैं, इन्होंने इसमें बाईपास डाला, जब ये मशीन में सक्सेस ही नहीं हुई ना, इन्होंने बाईपास डाला और इसमें कहीं तो इन्होंने मोटरें बदल दी, जो नीचे प्लांट डैन का भी नहीं बनाने का बिजली ये काम नहीं, फिर इन्होंने बाईपास पाड़ा इसका, इसमें कम से कम 200 लाख रुपए का खर्चा आ रखा ये, ठीक है ये भी बेफजूल का 1 रुपये का इसका कोई काम नहीं है, सरकार को चुना लगाया गया हर तरीके से। सचमुच इस घराट के नाम पर सरकार को लाखों रुपये का चूना लगाया गया है, लोगों को बिजली उत्पादन के तमाम सपने दिखाए गए हैं और अब देखना है कि इस घराट की स्थिति सुधरती की नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड से प्राइम टीवी नव रोहतांग की ये रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।